बड़सर उपमंडल की करेर पंचायत के डम्याना गांव का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिला। ग्रामीणों ने बताया कि डम्याना गांव के लिए सरकार ने संपर्क मार्ग स्वीकृत किया था, लेकिन उस मार्ग को विभाग द्वारा किसी अन्य गांव के लिए बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मार्ग को उनके गाँव के लिए न बनाकर सालन के लिए बना दिया गया है। लोगों ने प्रशासन से डम्याना गांव के लिए जल्द से जल्द सड़क बनाने का आग्रह किया है। सड़क न होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण सतीश कुमार ने बताया कि एक साल पहले गांव डम्याना के लिए संपर्क मार्ग स्वीकृत किया गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा मशीन द्वारा कटिंग करवाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया है। उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्यवाही आज तक अमल में नहीं लाई गई। ग्रामीणों ने सड़क के कार्य की जाँच करवाने की उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा से मांग की है। डम्याना करेर अरिजन बस्ती से आए हुए हैं। हम हमारे जो मुद्दे हैं, एक तो हमारे जो भी पैसा हमारे गांव के नाम पर आता है करेर अरिजन करेर बस्ती के नाम पर, वो स्वर्ण बस्तियों में यूज हो जाता है। तो पहले तो एक तो हमारे गांव के लिए ऐसी कंपोनेंट से रोड के लिए है हुआ पैसा, वो भी किसी और गाँव के लिए लगा दिया गया। दूसरी स्कीम ऐसी कंपोनेंट से ही बोरवेल आया था हमारे गाँव के लिए, जिसे भी हमारे गांव के अलावा दूसरे गांव में पहुँचाया जाता है। और हमारे गांव को टूटी फूटी पाइप लगा कर हम जब SDM से मिले तो उन्होंने आनंद पानन में टूटी फूटी पाइप लगा, तो इसलिए हम DC को ये ज्ञापन देने आए हैं। इसकी वजह से जो हमारे गांव का मेन रास्ता था वो भी सारा ढह चुका है, तो उसको भी हम बनवाने के लिए DC के पास आए हैं। और दो मकान तो बिल्कुल गिरने के हालात में, दूध जो है तो सब जो रास्ता बनाया गया है हमारे गांव को बनना था, दूसरे गांव के लिए सड़क बनाई गई उसको रोक देंगे। जो हमारी ज़मीन से होकर गुजरा हुआ है तो हमारी वो एक जगह है उसको हम रोक देंगे। बाकी वाटर सप्लाई का जो कार्य है वो उसको भी हम रोकने की कोशिश करेंगे।